मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि मनुष्यों की दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता ही नहीं है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। और उत्तर में बाबा कहते, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है, शांति कैसे होती है, विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं, जैसे बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को देखता हूँ, आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है, आत्मा का तख्त है भृकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलाए मान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। बाप तो है ही सतोप्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतोप्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरनी के सितारे, धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमोप्रधान बने हैं, फिर हमको सतोप्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वह आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए ये तो हो ना सके। वह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमोप्रधान दुनिया को बदल सतोप्रधान बनाने। वह ज़रूर संगम पर आएंगे, और कोई समय वह आ ही ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पति पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं कि पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। जैसे करते भी हैं कि वह क्लियर है, कैसे करते हैं वो भी क्लियर है।
संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं, पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सकें। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वह राजयोग सिखा न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो न सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है, विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे, उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे ही नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है, यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर दो कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे, घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, वह इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं कि ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसी को भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि तुमने कभी विश्व में शांति देखी है, कि विश्व में शांति कैसे होती है। तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ इससे मिलता ही नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था तो वहाँ ही शांति थी, अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी। अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते क्योंकि अभी उनके सुनने का समय ही नहीं आया है, सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना ना सके, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती। रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावणवंशी।
इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी और कोई धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स, बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े पढ़ाएंगे, तो यह भी स्कूल है। ये तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है, पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए कि सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसी की सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझें, यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो, बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब दुनिया में शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना भी भपके से है। नंबर वन यह चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े जाना, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतोप्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, तो इन्हें देखकर बहुत खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको ये बनाते हैं, वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसी का बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को कितनी खुशी होती है कि मेरा बाप वजीर है, और तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण। परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी ही नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं, वह भी गल्प कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी, फिर भट्टी से नंबरवार निकले, यह तो वंडर है।
जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो, ये खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा को सत्वप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। और सेकंड पॉइंट, बाप और लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुझा दो। धरनी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं कि क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं करूं ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।